हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हीना, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हेयर डाई केमिकल्स का इस्तेमाल आपके बालों को बहुत डैमेज करता है। बालों का टूटना छड़ना स्टार्ट होने लगता है और बाकी के काले बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं और मेहंदी से आपके बाल डल ड्राई और ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को बालों का ऑरेंज कलर, लाल रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके बाल बहुत सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ और काले रंग के होंगे, ऑरेंज कलर की बजाय काले रंग के होंगे। वो जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो अभी जान लीजिए क्या है वो तरीका। उसके लिए दोस्तों एक पैन में एक गिलास पानी लें और गैस का फ्लेम नॉर्मल फ्लेम पर ऑन कर दें। अभी इसमें आपको डालना है एक चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती आपके बालों पर बहुत ही अच्छे से कंडीशनर का काम करती है, आपके बालों को सिल्की, सॉफ्ट और काला रंग देने में बहुत बढ़िया काम करती है चाय पत्ती। इसके बाद आपको डालना है एक चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी में बहुत अच्छी मात्रा में कैफीन पाया जाता है जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, आपके बालों को रंग देने में बहुत बढ़िया काम करती है कॉफ़ी। अभी इसको आप पकाएं बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पर, तब तक पकाएं जब तक पानी जो है आधा ना रह जाए, मतलब चाय पत्ती और कॉफ़ी का अर्क जो है वो पानी में अच्छे से आ जाना चाहिए। अभी पानी जो है आधा रह चुका है तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से इसे आप स्ट्रेन कर लेंगे। एक ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा, हल्का सा गर्म रहना चाहिए पानी जो है, बिल्कुल ठंडा मत कीजिएगा। और स्ट्रेन कर लें किसी भी बर्तन में, और स्ट्रेन करने के बाद अभी आपको लेना है कोई भी लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन लेंगे तो आपकी मेहंदी और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगी, बहुत ही बढ़िया सा रंग आएगा आपके बालों पर। यहाँ पर आप कोई भी हर्बल मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पतंजलि की केशकांति हर्बल मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत बढ़िया है। 10 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये बनाई गई है, तो मेहंदी के साथ साथ आपको 10 नेचुरल चीज़ों का गुण इसमें मिल जाता है। तो आप भी पतंजलि की मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मेहंदी है ये। और बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप मेहंदी लीजिएगा। अभी इसमें आपको डालना है एक चम्मच आमला पाउडर जो आपको ओपन सारी के यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जो आपके बालों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, वरदान आप बोल सकते हैं, बालों का डॉक्टर बोल सकते हैं आमला जो है। और इसके बाद आप एक चम्मच भ्रामी पाउडर लेंगे, ये भी आपके बालों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही गुणकारी है, इसे भी आप बालों का डॉक्टर बोल सकते हैं, वरदान है ये आपके बालों के लिए। जो भी मैं आप इस वक्त चीज़ें इसमें डाल रही हूँ, तो एक चम्मच भ्रामी पाउडर। अभी इसके बाद लास्ट में आप इसमें डालेंगे भृंगराज पाउडर जो आपको पंसारी के यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, इसे भी आप बालों का डॉक्टर बोल सकते हैं, वरदान बोल सकते हैं, बालों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है भृंगराज पाउडर। आपके बालों की लगभग सभी समस्याओं को दूर करने में ये तीनों पाउडर जो हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। सो बालों को रंग देने के साथ साथ आप बालों को बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन देने वाले हैं। अभी जो पानी आपने तैयार किया था वो आप थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें आप मिक्स करेंगे, एकदम से मत डालिएगा पानी, अच्छे से मिक्स कीजिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं बनना चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ओवर नाइट के लिए पूरी रात के लिए ढककर छोड़ दें और मॉर्निंग में आप इसे अगेन मिक्स कीजिए। और हाँ, अपने बालों को बहुत ही अच्छे से सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी बनाने के लिए आप इसे अप्लाई करने से आधा घंटा पहले एक नींबू का रस इसमें निचोड़ सकते हैं, और या तो आप फिर आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधे घंटे के बाद इसे बिल्कुल क्लीन बालों पर, ना तो आपके बालों पर धूल मिट्टी हो और ना ही तेल लगा हो, मेक श्योर इसे अप्लाई करने से पहले अपने बालों को धो लें और फिर आप इसे अप्लाई कीजिए किसी भी ब्रश की हेल्प से, या फिर आप जैसे भी आप मेहंदी को इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पर अप्लाई करने के लिए, वैसे आप अप्लाई कीजिए अच्छे से, मांग निकाल निकाल कर बालों की जड़ों से लेकर के बालों की पूरी टिप तक। इससे क्या है कि आपके बालों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा इस मेहंदी का। इस तरीके से मेहंदी तैयार की गई मेहंदी आपके बालों को बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन देती है, आपके बालों को बेहद पोषण देती है। तो इसे आप अच्छे से अप्लाई कीजिए और कम से कम 2 घंटे के लिए लगा कर छोड़ दें। 2 घंटे के बाद बिल्कुल क्लीन वाटर से, ना तो आपको साबुन का इस्तेमाल करना है और ना ही शैम्पू का। अगले दिन आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लीन वाटर से अपने बालों को धो लेंगे। अगर आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं बालों को धोने के लिए, इससे क्या है कि साबुन शैम्पू के साथ साथ मेहंदी के गुण भी
उसके साथ ही धुल जाएंगे, तो इसे आप बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी से ही धोएं। अगले दिन आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बालों को धोने के बाद आपके बाल जो हैं देखेंगे बहुत ही सिल्की सॉफ्ट स्मूथ होंगे और बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर मिलेगा। एक एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको काला रंग बिल्कुल नहीं मिलेगा, जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ही आपके बाल जो हैं वो काले होने लगेंगे। मतलब हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब दूसरे हफ्ते में आप दूसरी बार इस्तेमाल करेंगे, तीसरी बार इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बाल इसे क्या है कि काले होते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू।